को शिकार मामले में लालू यादव को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत। आईआईटी मद्रास में 18 और छात्र कोविड संक्रमित, अब तक कुल 30 पॉजिटिव मामले मिले। जहांगीरपुरी हिंसा में अब ईडी की एंट्री, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिखी चिट्ठी, मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत हो एक्शन। सपा से नाराजगी के बीच शिवपाल यादव ने सीतापुर जेल में की आजम खान से मुलाकात। यूपी में बढ़े कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 205 नए मरीज, 81 हुए रिकवर। आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिटिश पीएम की आगवानी की। इसके बाद विदेश मेहमान जॉनसन सीधे राज घराने पहुंचे और वहां उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, जिसके बाद अब ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में मुलाकात चल रही है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में दोनों ही देशों के बीच व्यापार और रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जॉनसन की बातचीत का मुख्य फोकस हिंद प्रशांत की स्थिति पर है। साथ ही क्योंकि ब्रिटेन इस क्षेत्र में किसी भी तरह की जबरदस्ती का कड़ा विरोध करता है, इसके अलावा दोनों नेता यूके और भारत की रणनीतिक रक्षा, राजनयिक और आर्थिक समझौते और साझेदारी पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में 2 साल से बंद सपा विधायक आजम खान से मिलने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव जेल पहुंचे। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच करीब 1.25 घंटे तक मुलाकात हुई और ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब आजम खान खेमे में अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी के सुर उठ रहे हैं, तो वहीं शिवपाल यादव पहले से ही अखिलेश के खिलाफ बागी रुख अपनाए हुए हैं। छोटे छोटे मुकदमे, झूठे मुकदमे, इतने झूठे मुकदमे, अब केवल एक मुकदमा बचा है, एक मुकदमा बचा है केवल। 6 महीना हो गई, बहस हो गई, कुछ हो गई, बात आपकी हुई, आपके साथ जा रहे हैं, अब हम तो साथ हैं ही, आज हम भाई के साथ हैं, आज हम हमारे साथ हैं। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई है। ये मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था। बता दें कि सीबीआई ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग अलग राशियों की निकासी की और इसको लेकर 53 मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। ये रुपए को संदिग्ध रूप से पशुओं और उनके चारों पर खर्च होना बताया गया था। तो वहीं 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था, जिसमें सर्वाधिक 170 आरोपी शामिल है। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अब इस मामले में लालू यादव को जमानत मिल गई है। तो चारा घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर आ रही है, जहां पे डोरंडा मामले में लालू यादव को जमानत मिल गई है। चारा घोटाला मामला ये अपने आप में एक सबसे बड़ा और चर्चित मामला रहा है और इसमें एक नहीं दो नहीं कई आरोपी रहे हैं। ये मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है, जहां 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी और इस पैसों की निकासी की वजह बताई गई थी जानवरों के लिए, पशुओं के लिए चारा। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इस साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था। वहीं सीबीआई ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग अलग राशियों की
निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे और ये रुपए को संदिग्ध रूप से पशुओं और उनके चारों पर खर्च होने के लिए बताया गया था। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, सालों बाद अब ये मामला एक बार फिर चर्चा में है, जहां पहले दोषी करार दिया गया फरवरी में और अब उन्हें जमानत मिल गई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, चारा घोटाले में 5 मामलों में सजा याफ्ता राजद के लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से अभी जमानत मिली है और बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपया का जुर्माना जो है उनको चुकाना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें जो जमानत है वो जमानत मिलेगी। चारा घोटाला में कई सारे और बड़े नाम थे जिनमें से कई की मृत्यु हो चुकी है, लालू प्रसाद यादव अभी भी बचे हुए हैं और बीते दिनों उनको पहले इसके पहले भी जमानत मिली थी लेकिन उसके बाद उनकी जमानत रद्द हो गई थी और आज एक बार फिर से उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई झारखंड हाईकोर्ट में और उसके बाद उनको जमानत जो है वो दे दी गई है। जी, तो काफी लंबा समय हो गया इस मामले की जांच चलते चलते, तो अब क्या लगता है, ज्यादातर लोगों की मृत्यु भी हो गई जो आरोपी थे, ज्यादातर लालू यादव भी बीमार रहते, तो क्या इन्हें कुछ रियायत मिलेगी या फिर इनकी सजा यूं ही चलती रहेगी? नितिन, देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने लगभग 40 महीने जेल में गुजारे हैं, जो आधी सजा 30 महीने से भी अधिक है, मतलब जो उनकी सजा थी उसके आधी सजा से ज्यादा समय उन्होंने जेल में गुजारा है और ऐसे में हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जितनी इनकी सजा थी उससे आधी सजा से ज्यादा इन्होंने सजा जेल में गुजारी है। सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा के साथ मुकर्रर जो 10 लाख का जो 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 फाइन है वो भी लालू यादव को जमा कराना पड़ेगा लेकिन सीबीआई कोर्ट में ही पिछली बार इनकी जमानत जो थी वो रद्द हुई थी और उसके बाद लालू यादव को हिरासत में ले लिया गया था और गिरफ्तार कर लिया गया था, वो जेल में थे लेकिन आज एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है और लालू यादव को जमानत मिली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे। तो चारा घोटाला से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, जहाँ पे कई सालों बाद, जहाँ पहले तो इस मामले में जांच आगे बढ़ी और जहाँ लालू यादव को भी दोषी पाया गया और उसके बाद आज उन्हें जमानत भी मिल गई है। जहांगीरपुरी दंगे और बुलडोजर की कार्यवाही पर संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क भड़के हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब उन्होंने कमेटी के साथ 22 अप्रैल को जहांगीरपुरी मस्जिद जाने का ऐलान किया है। वहीं सांसद ने जहां संभल में जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की कोशिश पर हजारों लोगों का खून बहाने की चेतावनी दी, तो वहीं मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से विधायक जियार रहमान बर्क ने पूरे सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए शांति को एक तय सीमा तक बर्दाश्त करने की चेतावनी दी है। पार्टी ने एक लेटर जारी किया है, कमेटी बनाई है तो उसका हेड हूँ, मेरा नाम भी उसमें 5 आदमी है, मैं तो मुझे वहाँ जाकर जहांगीरपुरी में उस मस्जिद के वहाँ के जो क्या गुजरी उन पर, क्या उनके साथ जाती हुई है, जुल्म हुआ है, क्यों बुलडोजर चलाई, देखने के लिए मैं जाऊँगा और उसके बाद में हमको ये फैसला लेना। मैं मांग करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से कि इसमें हस्तक्षेप करें और ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी पार्टी से, अगर सरकार से ताल्लुक रखते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन उसकी धज्जियां लगातार ये लोग उड़ा रहे हैं। आज जैसे जहांगीरपुरी के अंदर कल जो घटना घटी है, वहाँ पर जो भी दुकानों को और मस्जिद को जो शहीद किया गया, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर कानून है, उसको सजा देने का अधिकार न्यायालय का है, सरकार अपने रहमान, आपको बता दें कि संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क भड़के हुए नजर आ रहे, जैसे पहले बयान सामने आया था कि भाजपा आरएसएस की वजह से गलत व्यवहार हो रहा है, जितना भी नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ, तो इसको लेकर भी कई
बार भड़के हुए नजर आए हैं, अपने विवादों की वजह से, अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं शफीकुर रहमान, और एक बार फिर वो अपने बयानों की वजह से ही चर्चा में है। शफीकुर रहमान इस बार भी भड़के हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कमेटी के साथ 22 अप्रैल को जहांगीरपुरी मस्जिद जाने का ऐलान किया है। सांसद ने संभल के जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की कोशिश पर हजारों लोगों का खून बहाने की चेतावनी दी है। अब चेतावनी भरे सुर में नजर आ रहे शफीकुर रहमान, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से विधायक जियाउर रहमान बर्क ने पूरे सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए शांति को एक तय सीमा तक बर्दाश्त करने की बात कही है। तो वहीं दोनों का बयान सामने आ रहा है, सपा सांसद बर्क भड़के हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर में स्कूल बस हादसे में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस हादसे में गाजियाबाद के एआरटीओ सतीश कुमार और विश्व प्रताप सिंह निलंबित कर दिए गए हैं, साथ ही आरआई प्रेम सिंह को भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा छात्र की मौत के मामले में पुलिस की जांच में तेजी लाने के साथ ही आज पुलिस आरटीओ से स्कूल बस के बारे में जानकारी जुटाएगी और बस के मानकों को भी खंगालेगी। सरकार के आदेश के बावजूद भी अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, जिससे मरीजों को लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ता है, उनका इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि वो जो डॉक्टरों का इंतजार करते हैं वो समय से नहीं पहुंचते हैं। साथ ही गरीब और बेसहारा लोगों को भले ही एक रुपए में इलाज मिल रहा हो, बावजूद इसके हॉस्पिटल में आने वाले हर व्यक्ति से साइकिल स्टैंड के नाम पर वसूली की जाती है, क्योंकि मरीजों का कहना है कि हॉस्पिटल में अंडर ट्रेनी स्टाफ बैठता है जो बहुत ही गंदे तरीके से मरीजों से पेश आते हैं। साथ ही हॉस्पिटल में इलाज कराने आए लोगों का कहना है कि अस्पताल में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। तो कई आरोप लग रहे हैं जिला अस्पताल के, जहां जिला अस्पताल का हाल बेहाल बताया जा रहा है। डॉक्टर समय से नहीं आते हैं, गंदगी है, और अंदर जो स्टाफ होता है वो ट्रेनी स्टाफ है, ना कि वहां फिर डॉक्टर है। लंबी कतारों में लगा रहना पड़ता है मरीजों को। तस्वीरों में आप गंदगी की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से गंदगी का अंबार है हॉस्पिटल के अंदर, किस तरह से आवारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। मरीजों से ज्यादा वहां पे जानवर देखने को मिल रहे हैं। हॉस्पिटल की स्थिति तो वैसे तो ठीक है, साफ सफाई भी होती रहती है, लेकिन आवारा कुत्ते अंदर आ जाते हैं, और आपके जो कूलर लगे हुए हैं यहाँ पर वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, जो कि दो बार मैंने भी शिकायत की, लेकिन इन्होंने बताया कि हमने रिपोर्ट भेज दी गई है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुए हैं। सफाई कैसी है? हम सफाई तो खूब गंदगी है बेटा, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, गंदगी है, मतलब खूब ही है, सारी गंदगी है, सफाई कवरन में तो कर। भी देखा जा सकता है गंदगी का अंबार लगा है, पार्किंग के नाम पे लोगों से वसूली की जा रही है, जहां एक रुपए का पर्चे पे इलाज मिलना चाहिए, तो वहीं पार्किंग के नाम पे वसूली हो रही है। जिला अस्पताल का हाल बेहाल बताया जा रहा है। अलीगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां अलीगढ़ के जिला अस्पताल से डॉक्टर नदारद रहते हैं, देर से आते हैं, और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अलीगढ़ से संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, जिला अस्पताल का जो हाल है उसको देखते हुए क्या कहेंगे? ठीक है, मैं आपको बता दूं, जिला अस्पताल का मामला है, और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ एक तरफ सरकार पूरी व्यवस्थाएं में लगी हुई है, जगह जगह सुरक्षा की बात करती है और सफाई की बात करती है। वहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बेड के नीचे कुत्ते लेटे हुए हैं और गंदगी का इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है, और जहाँ पर 3 रुपए के पर्चे के नाम पर 30 रुपए वसूले जा रहे हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि आम जनता को कितनी असुविधा और कितनी परेशानी का सामना करने को मिल रहा है। जी, तो क्या अभी तक इस बारे में किसी को जानकारी दी गई है, कहीं पर शिकायत दर्ज कराई गई है? नितेश, अगर बात करी जाए शिकायत की, तो हमने सीएमओ से जो बात करी, अगर सीएमओ की बात करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग, जहाँ पर जो लोग आते हैं, जो मरीज आते हैं, वो ही गंदगी फैलाते हैं, इस तरीके का उन्होंने कहकर पल्ला झाड़ दिया है। जी, तो क्या स्वास्थ्य विभाग में क्या कोई सफाई कर्मचारी नहीं रखा है? अगर मरीज आते हैं वो गंदगी फैलाते हैं, तो क्या कोई सफाई कर्मचारी नहीं होना चाहिए वहाँ? अगर सफाई की अगर बात करी जाए तो स्वच्छ, वो सफाई की अगर बात करी जाए तो
जितनी भी सफाई के हर चार घंटे के अंदर एक बार हॉस्पिटल की सफाई होती है। अगर और देखा जाए तो सफाई के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। जो मरीज आ रहे हैं वो कैसे ठीक हो पाएंगे, इस गंदगी को देखकर तो ऐसा लगता है कि मरीज ही खुद बीमार हो जाएंगे, अच्छे आदमी भी बीमार हो सकते हैं। इस तरीके का माहौल बना हुआ है सरकारी हॉस्पिटलों का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे इस खबर पे। संभल के विकास खंड पवासा की ग्राम पंचायत विचपुरी में डीपीआरओ जाहिद हुसैन के आदेशों को ताक पर रखकर सफाई कर्मचारी अपने घरों में बैठे हैं और एडीओ पंचायत पवासा अपने चहेते सफाई कर्मचारियों का बिना काम के ही उनका वेतन भी निकलवा देते हैं। जबकि ग्राम प्रधान कई बार शिकायत कर चुके हैं कि गांवों की सड़कें जलमग्न है और जगह जगह कूड़े का अंबार लगा है, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव और एडीओ पंचायत पवासा कोई भी ग्राम प्रधान की शिकायत का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। खबर आई बरेली से है, जहां हरचंदपुर थाना इलाके के प्यारीपुर में लखनऊ प्रयागराज हाईवे के सड़क किनारे तीन लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित कार ने तीनों लोगों को रौंद दिया। वहीं इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ में कार चालक ने बताया कि झपकी आने की वजह से वो गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और ये हादसा हो गया। तो रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है रायबरेली में, जहां तीन लोग सड़क किनारे खड़े बात कर रहे थे तो वहीं एक कार ने तीनों को रौंद दिया, जबकि दो की मौत हो गई है मौके पर और एक की हालत गंभीर है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं कार चालक से जब इस मामले में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि नींद की झपकी की वजह से कार पर से नियंत्रण खो गया और ये हादसा हो गया। मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल, इमरजेंसी मेडिकल अफसर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। सर अभी एक एक्सीडेंट का मामला है, क्या है पूरा मामला? हाँ, हरचंदपुर CHC से दो पेशेंट रिफर आए थे, एक सफीक नाम का 25 ईयर का मरीज है जिसको हेड इंजरी है और पैरों में पेट में भी चोट है, इसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर लिया गया है, सर्जन को बुलाया गया है देखने के लिए। और दूसरा अलई नाम का 45 ईयर का एक पेशेंट आया था जो मृत अवस्था में आया था। जो घायल है इसकी कैसे? अभी स्थिति स्टेबल है, बाकी सर्जन देखेंगे आगे जो होगा। फरीदाबाद विजिलेंस विभाग की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एक ही दिन में विजिलेंस विभाग ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दो बिजली विभाग से और एक हरियाणा पुलिस में बतौर SPO के पद पर तैनात है। विजिलेंस ने प्रवर्तनीय कॉलोनी में तैनात पुलिसकर्मी को एक युवक से 11,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि जहां जेई और उसके सहयोगी को राज्य चौकसी ब्यूरो ने मीटर लगवाने की एवज में 15,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। ये है जी, मैं पहले गांजे का काम करता था जिसका मेरे पे मुकदमा भी चल रहा है। अब मैंने गाड़ी ले ली अपनी बिलेरो मैंने नगर निगम में लगा रहा हूँ, तो मैंने इनसे मना करी, अब मैं दो नंबर काम नहीं करता, अब मैं पैसे नहीं दूंगा। इन्होंने मेरे को 9 तारीख से ही परेशान कर रखा था, मंथली दे दे वरना तेरे से गांजे केस लगा के अंदर कर देंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी तभी भी नहीं मान रहे, फिर मैंने आज जब आके मैंने यहाँ पे शिकायत करी। सर 1,000 तो ये मांग रहा था हवलदार और 10,000 रुपये थे इंचार्ज के, चौकी इंचार्ज के रिश्वत मांग रहे हैं। और मैंने कही मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोल रहे दे देनी तो गांजा बहुत पड़ा चौकी के अंदर, गांजा लगा देंगे हम तेरे से। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी ने शिक्षा पर असर डाला है, जिसकी वजह से स्कूल बंद करने पड़े थे, लेकिन योगी 2.0 में शिक्षा को वापस पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में चंदौली के नियमताबाद ब्लॉक के ग्राम सभा हसनपुर कम्हरिया कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को चॉकलेट बांटकर खुश किया गया। साथ ही छुट्टी के बाद बच्चों को घर घर भ्रमण कराया गया, जिससे जो बच्चे स्कूल जाने में भटक रहे हैं वो भी स्कूल समय से पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्य के निर्देशानुसार हम लोग विद्यालय चलो अभियान के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, बीच बीच में टॉफी बांटकर, और अभिभावक से भी संपर्क किया जा रहा है कि बच्चों को विद्यालय भेजें
और साथ साथ अभिभावक की मीटिंग भी किया जा रहा है, सब प्रबंध समिति की बैठक करके बच्चों को प्रेरित करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। खबर चंदौली से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के गौतम नगर इलाके में एक ऐसी शादी हुई जिसने अपने आप में यूनिक और अनूठी थी, जहां पर दुल्हा दुल्हन ने शादी की रस्मों के बीच रक्तदान किया। अजीत और प्रियंका ने पहले रक्तदान किया और फिर इस शादी में आए सगे संबंधी दोस्तों ने भी रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल की तरफ से किया गया था और इस कार्यक्रम में जो भी ब्लड इकट्ठा हुआ वो जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रखा गया। आपको बता दें कि इस ब्लड को गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाएगा। साथ ही इस यूनिक शादी में खाने पीने का इंतजाम भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन सबसे पहले ये खाना गरीबों और अनाथ बच्चों को खिलाया गया, फिर सगे संबंधियों और दोस्तों को। सर, हम लोगों ने ये सोच के रक्तदान किया है कि जैसे शादी सब लोग बहुत ज्यादा धूमधड़ाम से करते हैं, लेकिन रक्तदान करने के लिए ज्यादातर लोग आगे नहीं आते हैं, तो हम लोग अपनी शादी के अवसर पर रक्तदान का शिविर लगाकर लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश किए हैं कि रक्तदान करने से कोई नुकसान नहीं है। इतने सारे कार्यक्रम करते हुए भी हम लोग रक्तदान कर लिए और कोई हमको कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। हम सर इस कार्यक्रम के माध्यम से यही मोटिवेशन करेंगे कि शादी समारोह में तो सभी लोग करते हैं, लाखों करोड़ों खर्चे भी करते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम द्वारा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज देने का कार्य करेंगे ताकि जो है रक्त की वजह से किसी की मृत्यु ना हो और लोग बढ़ चढ़ के रक्तदान करें। हमें रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं होता है, और किसी भी जरूरतमंद को अपना रक्तदान करें। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 108 जैसी महत्वपूर्ण एम्बुलेंस सेवा को मोटर ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी बना दिया गया है, जिसमें बच्चे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। और ये पूरा मामला एक वीडियो के वायरल होने पर सामने आया है, जिसमें जतुआ टप्पा CHC परिसर के अंदर एक नाबालिग बच्चा 108 एम्बुलेंस की गाड़ी दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है और CHC अधीक्षक को इस मामले की जानकारी तक नहीं है। और बताया यह भी जा रहा है कि ये बच्चा CHC अधीक्षक की सेवा करते हुए भी कई बार देखा गया है। वीडियो वायरल जो हुआ है उसका अभी मेरी जानकारी में तुरंत आया है और इसका संज्ञान लिया गया है और संबंधित से तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के मलखान सिंह जिला अस्पताल में शराब के नशे में धुत महिला का जिला अस्पताल में हंगामा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान महिला जिला अस्पताल के वार्ड में घुसकर मरीजों के बेड पर जबरन लेटने की कोशिश करती दिखी, जिसके बाद हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा महिला को हटाने पर स्टाफ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हुई भी महिला नजर आई। तीन दिन पहले मेरी स्टाफ का मेरे पास फोन आया लगभग 5 बजे सुबह कि एक लड़की जो है उसका मरीज 7 नंबर में था कोई, लेकिन वो सब जगह भाग दौड़ के इधर उधर बदसलूकी कर रही है और उसने शराब पी रखी थी और मार रही थी रिश्तेदारों को, हमारी स्टाफ को, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी, जैसे बिल्कुल अनकंट्रोलेबल। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि मैंने अपने इमरजेंसी डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, इमरजेंसी में हमारे पुलिस रहती है, कि वहाँ से असिस्टेंस लेके आप जाइए। वो लोग गए, वहाँ पे महिला पुलिस आई और उस लड़की लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में ग्राम पंचायत चिमनी के रहने वाले युवक दर्शन ने अपने ही पिता को पीट पीट कर मौत की घाट उतार दिया। वहीं इस मामले पर मृतक की पत्नी ने बताया कि मृतक ने एक जमीन बेची थी, उसे पैसे की मांग कर रहे बेटे को पिता ने पैसा देने से मना कर दिया, जिसके बाद बेटे ने चिमनी के पास हाईवे पर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। मारे से कौन मारे से दर्शन कौन है तुम्हारा? वो लड़का। किस लिए उसने मारा है? पैसा मांग रहा है। अच्छा, आए दिन पैसे वैसे मांगता था क्या? कल हम बकरी में से हम बसंती खरीदने हैं तो खेत हमका छोड़ावा के रहा है,
तो हम एक लाख 80,000 के चीज हम जमा कर आना है। फिर पैसा मांग रहा तो हम कह चलो भैया बसंत से दवाई दे चले। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।